आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, और जैसे हर कहानी में हर मूवी में कुछ स्पोर्टिंग करेक्टर्स होते हैं जो कि उस मूवी की जान बनाते हैं, तो इस कहानी में भी कुछ स्पोर्टिंग एक्टर्स हैं जिनका आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी के सबसे पहले स्पोर्टिंग करेक्टर जो हैं, दैट इज़ माई फादर, वो है मेरे वालिद साहिब। और मुझे याद है कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था, मतलब आई वॉज मेच्योर इनफ, तो मेरे पापा ने मुझे एक दिन बिठा के कहा था कि बेटा ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा मेहनत कर लोगे पूरी ज़िंदगी उस मेहनत का फल पाते रहोगे। आई रिमेंबर बैक इन 2014 जब मेरा FSC फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था, माई फादर वॉज नॉट इन पाकिस्तान, ही वॉज इन टर्की, एंड ही डिड समथिंग फॉर मी जो कि मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और मेरी मेमोरी में अभी भी वैसे ही है। हियर यू गो। मैं आप सब लोगों की तवज्जो चाहता हूं 2 मिनट के लिए। आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपने घर से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, मैं वो सब आपके साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मेरी MSc फिजिक्स में है फाइनल ईयर में, उससे छोटा जो बेटा है मेरा उसका नाम शाहजेब है और उसने FSC मेडिकल का एग्जाम दिया हुआ था, ही इज गुड फोर्थ इन द बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड। और जो थर्ड सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले हैं वो एक एक नंबर से उससे आगे हैं। तो मैंने महसूस किया कि मैं अब सब लोग लीड आपको देंगे लेके आए हैं, अभी सबको ना एक एक कोला पेश करते हैं, ठीक है? थैंक यू। इस कहानी के जो सेकंड सपोर्टिंग करेक्टर है, बल्कि मैं उनको स्पोर्टिंग करेक्टर नहीं कहूंगा, मैं उनको इसकी बेस कहूंगा, इस कहानी की जो बेस है दैट इज माय मदर, वो मेरी अम्मी है। किसी भी जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं, किसी भी हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, फाउंडेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि इसकी बेसिस कितनी स्ट्रांग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेसिस हमारी तीनों बहन भाइयों की अम्मी ने खुद बनाई थी, हमें अम्मी बैठ के खुद पढ़ाया करती थी, तो हमारी बेसिस जो है वहाँ से हैं और हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो वहाँ से है। मेरी अम्मी एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिलोसफी की, एंड शी रिटायर्ड दिस ईयर ऑन 20th मार्च। और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और इस वीडियो को बनाने का मकसद और ये डिग्री कंप्लीट करने का मकसद भी मेरी अम्मी हैं। और मेरी अम्मी ने अपनी रिटायरमेंट के ऊपर कुछ कहा है। मैं उस जॉब में आ गई, उस साल खुशकिस्मती हमारी एक टेस्ट हुआ ही नहीं और सिर्फ इंटरव्यू हुआ, उसमें 5 सवाल पूछे वो जाते थे सिलेक्शन हो। और अपनी फैमिली में मैं पहली थी जो वो हॉस्टल में पढ़ के आई, बेशुमार बातें सुनने के बाद कि हॉस्टल में अच्छी बच्चियां नहीं जाती, ये नहीं होती। और अब जॉब, लेकिन मेरे मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप जॉब करें, मैंने जॉब शुरू कर और ये पहला कॉलेज और आप इंशाल्लाह आखिरी। मुझे तो ये भी अंदाजा है कि आप टॉपर थे पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तो वो मुझे पता है कि आप टॉपर है। तो मैं जब इस कॉलेज में आई तो शायद से मेरी थोड़ी सी वाकफियत पहले से थी इस कॉलेज से भी और हॉस्टल से, तो मैंने कहा शायद मैं तो अकेली, मतलब आपका तो चार चार है एजुकेशन में, तो हमेशा माशाल्लाह चार रहते हैं, इकोनॉमिक्स होती थी लास्ट में लोग विचार करते। उसने कहा आप ना ये ना सोचो कि आप फिलोसफी, आप सोचो आप एजुकेशन में ही। तो बाद में ना मैंने जब इंग्लिश वालों के साथ बैठती थी मैं इंग्लिश की बन जाती थी, जब उर्दू वालों के साथ बैठती थी उर्दू में हो जाती थी, और एजुकेशन में तो फिर मैं रहती ही थी ना। अब आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे जो कि हूँ मैं। अब आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं इसमें मैं कोई 5th या 4th क्लास में हूँ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 5th और 4th क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट होता था, मतलब कभी पोजीशन ले लेता था कभी पोजीशन नहीं भी आती थी। तो 5th ग्रेड के बाद मैं ऑल बॉयज़ स्कूल में चला गया, सिर्फ बॉयज़ थे, लड़कियाँ अलहदा हो गई, तो अब कंपटीशन बहुत कम हो गया था, सिर्फ लड़के थे और पोजीशन लेना बहुत आसान हो गया था। तो मेरी कभी फर्स्ट आने लग गई कभी सेकंड आने लग गई और आई बिकेम अ रेगुलर पोजीशन स्कोरर। मैंने 8th के बोर्ड के एग्जाम दिए, मैंने 9th के बोर्ड के एग्जाम दिए, फिर मैंने मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम दिए एंड आई स्कोर्ड 974 out of 1050। और ये वो पॉइंट है जहाँ से ये असल कहानी शुरू होती है। तो ये मेन कैरेक्टर यानी कि जो मैं हूँ, मुझे अम्मी ने एक दफ़ा, मुझे याद है मैं 6th या 7th क्लास में था, कहा था कि हमारे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं,
और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमारे खानदान का सबसे पहला डॉक्टर बने। तो मेरे जहन में वो बात थी, कहीं ना कहीं पे रिफ्रेश हो रही थी, कहीं ना कहीं पे कुछ था। तो मैंने जब मेरे से अम्मी ने और अबू ने पूछा कि बेटा तुमने एफएससी में एडमिशन लेना है तो तुमने क्या चूज़ करना है, तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट मैंने कहा प्री मेडिकल। तो मेरे मार्क्स आए जी 974 आउट ऑफ 1050। और द नेक्स्ट डे आई वेंट टू पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टू गेट एडमिशन इन प्री मेडिकल। और वहाँ पहुँच के मुझे पता लगा कि द मैरिट क्लोज्ड ऑन 975। पहला सेक्शन जिसको हम टैलेंट सेक्शन या F1 सेक्शन कहते हैं, जो कि फ्री पढ़ते हैं, उनका मेरिट 975 मार्क्स पे क्लोज हो गया एंड आई वाज एट 974। सो आई हैड टू पे देम। उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए कि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो तो आपको पैसे देके पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इवनिंग की क्लासेज ज्वाइन कर लो तो हम आपको फ्री में अकेडमिक आपका कर देंगे, आपको फिर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वापस आया, आई टॉक टू माय मदर। मामा ने कहा कि नहीं, तुमने मॉर्निंग में ही पढ़ना है, इवनिंग में कोई पढ़ाई नहीं होती, एंड यू गो एंड टेक दैट सीट। आप सीट ले लो, पैसों की टेंशन ना लो। ओके, अब मेरे जहन में वो बात थी कि भाई एक नंबर की वजह से यू हैवंट बीन एबल टू गेट योर सेल्फ फ्री इन टू एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप आसानी से जा सकते थे। यहाँ पे वो मेरी जो है सेंसेस जो है वो खड़कने लग गई, यहाँ पे मेरे अंदर वो जज्बा पैदा होना शुरू हो गया कि भाई नहीं, अब ये जो एक नंबर कम आया ना, इसको प्रूव करना है, इसको सबको दिखाना है कि यार ये बंदा जो है ये इस काबिल था कि ये सेक्शन में बैठता। समटाइम्स बहुत दफ़ा आपकी लक आपके साथ नहीं होती, चीज़ें आपके साथ नहीं जाती, आपकी कंडीशन सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं रहते, बट यू नेवर गिव अप। यही जिंदगी की हुसन है कि आप कभी भी हार नहीं मानते, आप हिम्मत नहीं छोड़ते। मैंने अपनी हिम्मत डबल कर ली, मैंने अपनी मेहनत और कोशिश डबल कर ली। और फिर मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट ईयर में FSC प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर में रिजल्ट आया तो आई वॉज इन द फर्स्ट 10 स्कोरर्स ऑफ फैसलाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम जब मैंने अपने अबू को रिजल्ट बताया तो ही स्टार्टेड क्राइंग। अब वो मेमोरी भी मेरे जहन में बिल्कुल वैसे की वैसी है। एंड देन इन टू सेकेंड ईयर मैंने मेहनत 3 गुना ज़्यादा कर दी एंड आई गॉट 4th पोजिशन इन फैसलाबाद बोर्ड इन बॉयज ऑल ओवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी थी जब मैं सोचता था कि यार तेरा एक नंबर कम आया तूने अप्रूव करना है, मैंने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव किया और मैंने दिखाया कि यार अगर आप सच्चे दिल से और मेहनत से कोई चीज़ करना चाहते हो तो वो दुनिया से आपको कोई नहीं छीन सकती। मेरा फेलियर था दैट आई कुडंट गेट इन टू अ फ्री सेक्शन, मेरा ये फेलियर था, आई कंसिडर इट एज अ फेलियर कि मैं थोड़ी सी मेहनत और करता, मैं 10-12 नंबर भी ज़्यादा ले लेता, एक नंबर भी ज़्यादा ले लेता तो मैं उनके साथ बैठा होता। आई कंसिडर दिस एज माई फेलियर and I made my failure my biggest success। यही मैं आपको कहता हूँ कि make your failures your bigger success। तो वो जो मेरी जहन में एक पिक्चर मेरी अम्मी ने 6th और 7th क्लास में बनाई थी कि हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है और she wants her son to be the doctor in her family, the first doctor in her family। तो अल्हम्दुलिल्लाह राना शाहजेब is now डॉक्टर राना शाहजेब। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल एक जर्नी में। अगर मैंने आपको दो स्पोर्टिंग करेक्टर्स अपने मामा और पापा बताए हैं तो इसमें दो स्पोर्टिंग करेक्टर्स मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन भी हैं जो कि मेरी बैकबोन रही हैं हमेशा, और दे हैव सपोर्टेड मी एवरी टाइम। जब कभी भी मैंने बताया कि आपकी जान वो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ या छोटी बहन को बताया कि यार मेरा रिजल्ट आने वाला तो मुझे टेंशन है, तो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी कि लाइक ब्रो क्या सीन है, क्या हो गया है, तुम पढ़ा हुआ है, तुमने सारा कुछ किया हुआ, तुम निकल जाना है, तुमने कर लेना। दैट सपोर्ट हैज़ बीन फिनोमिनल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक पॉइंट लाएं और उस पॉइंट के ऊपर अपनी ज़िंदगी बदल लें, लेकिन शर्त वही है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड यू हैव टू मेक योर फेलियर्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट एंड योर बिगेस्ट सक्सेस। ये मेरे एक नंबर वाली कहानी कि मेरा एक नंबर कम था, उस एक नंबर ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और उसके बाद एक नंबर जिससे मेरी FSC में पोजिशन नहीं है, उसने मेरी अगली की आगे की जो ज़िंदगी थी वो सारी बदल दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस एक नंबर से लेके आज जब मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लग चुका है, इट्स बीन अ कम्प्लीटली ब्लेसफुल जर्नी एंड अ वेरी मेमोरेबल जर्नी। आई होप यू एंजॉयड माई स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।